दोस्तों आज 16 मार्च के जो CHSL एग्ज़ाम हुए हैं मॉर्निंग शिफ्ट के, उसके 22 क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं GS के, केवल GS के 22 क्वेश्चन, उनको आज डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट लीव इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2017। 2017 में कौन सा देश है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अलग हो गया, मतलब हट गया, उसे सदस्यता उसने अपने त्याग दिए, वह बुरुंडी है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, चाइना ने लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन आइसोटोप, आइसोटोप से रिलेटेड था प्रॉपर्टी। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक वो होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, वो इक्वल होते हैं, उनको वो समस्थानिक होता है। और संभारिक वो होते हैं जिनके परमाणु भार बराबर होते हैं। तो ये देख लीजिए आप दोनों। ये सैलरी से पूछा गया है, चीफ जस्टिस इंडिया की सैलरी कितनी है। तो देखिए, जितने भी इंडिया के, मतलब कि अभी सैलरी जो अमेंडमेंट हुआ है सैलरी में, उनको मैंने, उनकी मैंने लिस्ट दे दी है, देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं। प्रेसिडेंट की सैलरी है, राष्ट्रपति सैलरी 5 लाख हो गई है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की 4 लाख हो गई है, प्राइम मिनिस्टर की 1,65,000 ही है, कोई कोई बदलाव नहीं हुआ। गवर्नर की सैलरी हो गई, मतलब राज्यपाल की 3,50,000, और चीफ जस्टिस की सैलरी हो गई 2,80,000। यही क्वेश्चन आया था आपका, चीफ जस्टिस की सैलरी 2,80,000 हो गई। और बाकी सब हैं, ये भी देख लीजिएगा, इनसे भी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब अगले शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, एक इडियम है, रेड रैग टू बोल, मतलब गुस्सा दिलाना होता है इसका मतलब। अगला क्वेश्चन, इज मेड अप ऑफ स्मॉग एंड फॉग, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं आया है मेरे पास ऑप्शन के हिसाब से, अब मतलब शायद जहाँ तक इसमें स्मॉग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करनी है, 50 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, मास 50 दे रखा है और हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है पी इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है पी इक्वल एम जी एच। एम की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, एच की वैल्यू भी दे रखी है, और जी का मान जब ऑप्शन में, क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, हम 9.8 लेते हैं हमेशा, जब क्वेश्चन में ना दिया हो तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हाइट को चेंज कर लीजिए, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, एक म्यूनिसिपल्टी से आया था, नगर निकाय या नगर निगम किस मतलब भाग में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 12वें भाग में है अंतिम, और 11वें में है पंचायती राज। ये क्वेश्चन रिलेटेड संपूर्ण बीमा योजना से रिलेटेड था। संपूर्ण बीमा योजना को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन श्री मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया था, संपूर्ण बीमा योजना SBG, SBG इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मतलब कि 100 परिवारों को गांव, मतलब 100 एक गांव में 100 परिवार हैं तो उनको चुना जाएगा, उन गांवों को चुना जाएगा और उनसे, उनको बीमा से जोड़ा जाएगा, डाक बीमा से। व्हाट डू यू मीन में रिलेटिव डेंसिटी से एक क्वेश्चन आया था, एक आया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड है, तो ये शहनाई से रिलेटेड है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। एक क्वेश्चन एंटोनेंस आया था, डिफरेंशियल का एंटोनेंस, डिफरेंशियल का मतलब होता है सविनय। ये क्वेश्चन है 5 ईयर टाइमिंग से आया था क्वेश्चन, मतलब 5 ईयर का जितने भी अभी तक उनकी टाइमिंग और उनकी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 5 ईयर प्लान दे रखे हैं, सभी दे रखे हैं मैंने, जितने भी 5 ईयर अभी तक हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, मतलब सभी दिए हैं, उसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। 3 यहाँ 9 तक है और आगे 14 तक, जितने मतलब अभी तक 5 ईयर प्लान हुए हैं उनको मैंने मतलब डिटेल्स दे दिए, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार एशिया के किस भाग में है, तो साउथ ईस्ट मतलब है साउथ ईस्ट में है एशिया के। और ऐसे ही आप पाकिस्तान का भी देख लीजिए, पाकिस्तान किस भाग में है, भूटान किस भाग में है, इंडिया किस भाग में है एशिया के, ये सब देख लीजिएगा।
मतलब भारत के जितने पड़ोसी देश है वो एशिया के किस भाग में पड़ते हैं, ये आप देख रहे हैं। इनसे आगे वाले दिनों में क्वेश्चन बन सकता है। ईजियर सेड देन डन, इसका मतलब बी मोर इजिली टॉक अबाउट देन पुट इट इन टू प्रैक्टिस, मतलब करने से अच्छा है कि शांति से बात करें। पोटेंशियल एनर्जी, ये अभी अभी क्वेश्चन आया था, 74वां अमेंडमेंट से आया था, तो ये है नगर निकाय अमेंडमेंट से आया, नगर निगम। और जो 73 है अमेंडमेंट वो था पंचायती राज से, 1993 में था 73, और 94वां है, 74वां है 1994 में। जो जिला पास से आया था ये कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में जितने भी पास पड़ते हैं उनको मैंने यहाँ पे दे रखा है, वो देख लीजिए। जो जिला पड़ता है, जो जिला पड़ता है, खरदुंगा ला पड़ता है, बनिहाल पड़ता है, तेंगलैंग पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं। जो जिला, कराकोरम, लद्दाख, ये सब जितने हैं ये इम्पोर्टेंट वाले देख लीजिएगा। इपिडेमिनल्स, ये क्वेश्चन था साइंस से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से आया था। इपिडर्मल सेल प्रोड्यूस वैक्स वाटर लाइक सफ्टन ऑन विच पार्ट ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट से होता है। ये क्वेश्चन आया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड से, ये किसको दिया गया 2017 में, तो ये एरिन नेडो को दिया गया है। ये क्वेश्चन आया था उस्ताद बिस्मिल्ला खान, देख चुके हम लोग। ये क्वेश्चन था फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2017, ये रोनाल्डो को दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।